वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से मेरी लाइव पे हार्दिक अभिनंदन है। जो भी मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली लाइव आप तक पहले पहुंच सकें। तो आज मैं आपके सामने अपने पिटबुल डेजी के साथ जंगल सफारी पर आया हूँ। तो देखिए, ये इसका डेली सेशन है, दिन में 3 बार जंगल सफारी करने का और मौज मस्ती करने का। तो ये है हमारा पिटबुल डेजी, जिससे मैं आपकी मुलाकात करा देता हूँ। अभी देखिए कैसे ये जंगल में आनंदित हो रहा है। तो दोस्तों, मैं इसी तरह की वीडियो समय समय पर आपके सामने लाता रहता हूँ और मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए मैं आपसे अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें और आपको वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए तथा नए नए कंटेंट्स लाने के लिए कोई सुझाव हो तो वो भी अवश्य शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट्स लेकर आता रहूं। इस टाइम यह जो आप सीन देख रहे हैं, ये चंबल घाटी का जंगलों का सीन है, जहाँ किसी ज़माने पर फूलन देवी, मान सिंह जैसे डाकू विचरण करते थे। और आज के समय में यह डकैतों से बिल्कुल फ्री हो चुका है तथा यह हमारे डेजी की सैरगाह बन चुका है। अभी देखिए ये किस तरह से पेड़ों के तने की चीर फाड़ कर रही है। और चलिए इसको आगे लेके चलते हैं, लेकिन अभी यह अपने कार्यक्रम में व्यस्त है। तो चलिए आपको मैं जंगल का एक विहंगम दृश्य दिखा देता हूँ, आप इसको देख के समझ ही रहे होंगे कि किस तरह के भयंकर वादियाँ घाटियाँ हैं जिसमें किसी ज़माने में कुख्यात दस्यु अपना निवास बना के रहते थे और भिंड, मुरैना इत्यादि समीपी इलाकों में डकैती करके अपना जीवन यापन करते थे। तो आज हम डेजी को लेकर निकले हैं इस जंगल की सफारी पर और इसका शेड्यूल है जंगल में छोटे छोटे जानवरों पर अटैक करना, खरगोश, हिरन, यहाँ पर नील गाय वगैरह, जंगली सूअर बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये उन्हीं का पीछा करके अपनी एक्सरसाइज को पूर्ण करती है। अगर रास्ते में अभी कोई दिखा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अभी इसको लगता है किसी के आने की आशंका लग रही है, जो हवा में अपनी नोज़ को ऊपर उठा के उसकी स्मेल ले रही है। इनको दूर से स्मेल से ही पता चल जाता है कि आसपास कोई जंगली जानवर या इंसान या किसी भी तरह का इनके ऊपर अटैक करने वाला व्यक्ति आ रहा है और ये सतर्क हो जाते हैं। तो अभी ये अपने कार्यक्रम में बिजी है, इसको जेजी चलो। तो अब मैं इसको ले जा रहा हूँ, लेकिन ये देखिए फिर भी नहीं आ रही है। ये पेड़ के बड़े बड़े तनों पे अपने दांत गाड़कर
अपने दांतों की एक्सरसाइज इसी प्रकार से करती है। देखिए आपको नज़दीक से मैं इसकी शक्ल दिखाता हूँ। डेजी चलो चलो, अब देखिए ये अब आने को बिल्कुल राजी नहीं है। इसको एक छोटा सा तना मिल गया है पेड़ का, तो देखिए मैं आपको फिर से एक बार यहाँ के बीहड़ दिखाता हूँ। इसमें कई बार हम शिकार करने भी जाते हैं अपनी डेजी और गन को लेकर। कई तरह के जानवर यहाँ मिलते हैं, कभी उसकी भी वीडियो आपको शूट करके दिखाऊंगा ज़रूर। आसपास यहाँ पर दूर दूर तक आबादी नहीं होने के कारण मैं अपनी गाड़ी से यहाँ पर आया हूँ, सिर्फ अपने व्यूवर्स को यहाँ का दृश्य दिखाने के लिए। बाद में मैं इसी तरह के और भी डीप जंगलों में जाके आपको ज़रूर वीडियो दिखाऊंगा। तो चलिए आज लगता है ये सफारी करके हमें कम से कम 1 घंटा हो गया है, तो ये अभी शायद थक गई है, इसलिए अब ये थोड़ा अपनी दांतों की एक्सरसाइज कर रही है। तो देखिए काफ़ी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही है और इसको खांसी, लगता है गले में कोई लकड़ी का तिनका चला गया है। वैसे ये ब्रीड अमेरिकन होने की वजह से इनको यहाँ का क्लाइमेट कम ही सूट करता है, दिन भर इसको एसी में ही रखना पड़ता है। विंटर सीजन इनको सूट करता है तो ये उसी सीजन में ज़्यादा मस्ती करते हैं, और अभी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो इनके लिए बाहर घूमना थोड़ा मॉर्निंग में सुबह 4 बजे या आराम से 1-2 घंटे सैर करते हैं, लेकिन दोपहर में इनको थोड़ी तकलीफ होती है। तो देखिए अभी 1 घंटा घूमने के बाद अभी एक जगह आराम करके सिर्फ अपने दांतों का एक्सरसाइज दे रही है। ये देखिए अभी किस तरह से चारों खाने चित्त होके सिर्फ अपने मुंह ये देखिए। अभी इसको मैंने 10 मिनट्स के लिए रनिंग भी कराई थी, तो इससे ज़्यादा अभी इसकी एज 1.5 ईयर हो चुकी है। इसको मैंने 3 महीने में एडॉप्ट किया था, परचेज किया था, और तब से अब लगता है ये आगे जाने के मूड में नहीं है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं, और फ्यूचर में आपके लिए इसी प्रकार के कंटेंट लेके आता रहूंगा। आपसे निवेदन है कि आप जो भी कंटेंट देखना चाहते हैं कृपया कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और आप कौन से स्टेट से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी ज़रूर लिखिएगा। तथा आपसे फिर से एक बार अनुरोध है कि मेरे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे कंटेंट्स आप तक पहुंचते रहें। और आपके सब्सक्रिप्शन करने से आपका कुछ नहीं जाता, परंतु एक मेरे जैसे एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप को हौसला अफजाई होती है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।